तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम हाउस वायरिंग के बारे में देखेंगे कि घर की वायरिंग जो है वो हम किस तरह से कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और बेसिक सी वायरिंग होती है। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है तो आपको समझ आ जाएगी किस तरह से आप वायरिंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो वीडियो में सबसे पहले हमारे पास जो है वो दो रूम हैं और एक किचन है और एक हॉल और एक कॉरिडोर है। तो सबसे पहले हमें एक मीटर की ज़रूरत होगी जिसमें हम सप्लाई लेंगे और उसके जो आउटपुट है सप्लाई की, उसके लिए हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की ज़रूरत होगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम टू पोल वाला MCB, RCB और सिंगल पोल वाले MCB लेंगे। तो जो कॉरिडोर है उसमें एक पंप चलता है, पंप लगता है, तो वाटर पंप हो गया। और इसके अलावा जो न्यूट्रल के लिए जो है न्यूट्रल वाली बार, वो बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारे पास रूम नंबर 1 है उसमें हम फ़ैन लगाएंगे एक, और इसके अलावा उसमें हम दो जो है वो बल्ब लगाएंगे। तो इसी तरह जो हमारे पास रूम नंबर 2 है उसमें हम एक जो है फ़ैन और दो बल्ब ही लगाएंगे। तो अब हमारे पास किचन आ गया। किचन में हम एक जो है वो बल्ब और एक जो है वो हम फ़ैन लगाएंगे। इसके अलावा हम उसमें एक एग्जास्ट फ़ैन लगा देंगे, और क्योंकि जो फ्रीज़र होता है वो भी किचन में ही होता है आमतौर पर, तो किचन में हम एक फ्रीज़र लगा देंगे। तो इसके कनेक्शन हम किस तरह से करेंगे वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अब जो है हॉल, उसमें दो फ़ैन लगते हैं क्योंकि हॉल बड़ा होता है। इसके अलावा उसमें दो ही हम बल्ब लगाएंगे। इसके बाद जो है पंप के हिसाब से हमने बोर्ड लगा लिया, सेम इसी तरह हमने रूम के हिसाब से बोर्ड लगाने हैं। तो 1 बाय 1 करके हमने रूम में, किचन में और हॉल में बोर्ड लगा लिया। हॉल में हमने दो बोर्ड लगाने हैं क्योंकि हॉल काफ़ी बड़ा होता है, तो इसलिए हम हॉल में दो बोर्ड लगाएंगे। तो अब हम वायरिंग देखेंगे। वायरिंग बहुत ही सिंपल होगी। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो मीटर है उसमें न्यूट्रल और फेज़ वाली तार इन करनी है। तो उसके बाद जो है न्यूट्रल और फेज़ वाली तार और जो मीटर है वहाँ से निकल कर MCB ब्रेकर में आ जाएगी, और वहाँ से जो निकल के RCB ब्रेकर में, और इसके बाद जो है वहाँ से जो फेज़ का आउट होगा वो ब्रेकर को लग जाएगा, सिंगल पोल वाले ब्रेकर को। जो पहला सिंगल पोल ब्रेकर है वहाँ से फेज़ जो है वो हम जो कॉरिडोर में हमने बोर्ड लगाया था उसमें लग जाएगा, क्योंकि उससे हम पंप को ऑन करेंगे। तो जो न्यूट्रल वाली तार है वो न्यूट्रल बार में लगेगी, क्योंकि सब न्यूट्रल जो है वो इसी बार में जाएगी, इस बस बार में जाएंगी। तो अब हम न्यूट्रल वाली तार जो है वो भी हम लगा देते हैं बोर्ड में। तो अब हम पंप के कनेक्शन कर देते हैं। पहले हम न्यूट्रल की तार लगाते हैं, फिर हम फेज़ की तार लगा लेते हैं। तो जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो पंप जो है वो ऑन हो जाएगा, स्विच को ऑफ़ करने से पंप ऑफ हो जाएगा। अब हम हॉल के कनेक्शन देख लेते हैं कि हॉल के कनेक्शन किस तरह से करेंगे। तो यहाँ से जो है फेज़ जो है जाएगा दूसरे जो MCB ब्रेकर है वहाँ से फेज़ जाएगा, और दोनों जो हॉल में लगे हैं बोर्ड लगे हैं उनको चला जाएगा। तो जो हमारे पास पहला बोर्ड है वहाँ से हम पहला जो है वो फ़ैन ऑन करेंगे, फ़ैन जो है उसकी तार लगा देंगे। इसी तरह जो पहला बोर्ड है वहाँ से हम बल्ब के कनेक्शन कर लेंगे। उसके बाद जो है जो हमारे पास लास्ट में स्विच बचा है उससे हम सॉकेट ऑन करवाएंगे। सेम इसी तरह जो दूसरा बोर्ड है उसके कनेक्शन भी इसी तरह से होंगे कि पहले हम फ़ैन ऑन करवा लेंगे, फ़ैन का जो फेज़ है वो लग जाएगा रेगुलेटर के थ्रू, और इसके बाद जो है वो बल्ब का कनेक्शन जो है वो दूसरे स्विच से हो जाएगा, और जो हमारे पास तीसरा स्विच बचा है उससे हम जो है वो दोनों सॉकेट ऑन करवाएंगे। तो यहाँ पर हॉल के कनेक्शन हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने किचन के कनेक्शन करने हैं। तो उसके लिए हम अलग से जो है हमारा तीसरा जो ब्रेकर है वहाँ से फेज़ जाएगा, और किचन में हम फेज़ ले आए हैं। फिर इसी तरह से जो है हमने किचन का जो फ़ैन है वहाँ पर हमने उसके कनेक्शन कर देना है, और उसके बाद जो दूसरा स्विच है वहाँ से हमने फ्रीज़र ऑन करवाना है, तो फ्रीज़र को फेज़ चला गया। इसी तरह जो तीसरा स्विच है उससे हमने एग्जास्ट को ऑन करवाना है, तो वहाँ पर एग्जास्ट को फेज़ चला गया। और जो चौथा स्विच है वहाँ से हमने बल्ब को ऑन करवाना है, और जो हमारे पास पाँचवा स्विच है उससे हमने जो हमारी दो सॉकेट हैं वो वाली ऑन करवानी है। तो अब हम रूम नंबर 2 के वायरिंग देख लेते हैं। जो हमारे पास ब्रेकर था, चौथा ब्रेकर, वहाँ से फेज़ जाएगा रूम में, और फिर इसी तरह से जो है हम फ़ैन के कनेक्शन कर लेंगे, और दोनों स्विचेस की मदद से हम बल्ब ऑन करवाएंगे। तो इसके बाद जो हमारे पास लास्ट स्विच है वहाँ से हम जो है वो सॉकेट ऑन करवाएंगे। इसके बाद हमारे पास आखिरी रूम बचा है, तो वहाँ पर भी हम फेज़ ले जाएंगे इसी तरह से ब्रेकर में से। तो उसके बाद हम फ़ैन के कनेक्शन कर देंगे, और उसके बाद जो है हम उसमें जो बल्ब लगा हुआ है 1 बाय 1 बल्ब के कनेक्शन भी कर देंगे। तो इस तरह से जो है वो फेज़ के कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने न्यूट्रल की तार लगानी है, तो न्यूट्रल की तार जो है वो बार में से, न्यूट्रल वाली बार में से जाएगी न्यूट्रल की तार, और पहले हम हॉल में न्यूट्रल लगाएंगे,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूट्रल जो है वो हॉल में चली गई है दूसरे बोर्ड में, वहाँ से ही हमने सारी जो है न्यूट्रल वो बल्ब को भी और दोनों जो है वो फ़ैन को भी लगा देनी है। इसके बाद जो न्यूट्रल है वो किचन में जाएगी, किचन बोर्ड में सबसे पहले लगेगी और उसके बाद जो है हम फ्रीज़र को लगाएंगे, फिर उसके बाद हम जो है इसको एग्जॉस्ट फ़ैन में लगाएंगे। एग्जॉस्ट फ़ैन के बाद जो हमारे पास दूसरा फ़ैन है उसमें हम लगा देंगे न्यूट्रल की तार, और इसी तरह जो हमारे पास बल्ब है उसमें भी न्यूट्रल की तार लग गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो दूसरा रूम है वहाँ तक हमने न्यूट्रल की तार लेके जानी है, और इसी तरह से जो है हमने पहले उनको फ़ैन को और दोनों जो है बल्ब इनको हमने न्यूट्रल की तार लगा देनी है। तो लास्ट में जो है हमारे पास जो पहला रूम था वहाँ पर भी हमने न्यूट्रल की तार इसी तरह से लगा देनी है। तो न्यूट्रल और फेज़ के कनेक्शन हो गए हैं। तो अब क्या है, अब हम जैसे ही ब्रेकर को ऑन करेंगे, पहला जो MCB ब्रेकर है उसको हम ऑन करेंगे, तो फेज़ जो है वो RCB ब्रेकर में चला जाएगा, जो हमारे पास RCCB ब्रेकर है वहाँ पर फेज़ चला जाएगा। फिर हम जब इसको ऑन करेंगे तो जो है फेज़ जो है वो हमारे पास जो सिंगल पोल ब्रेकर है वहाँ तक आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो ब्रेकर ऑन करेंगे वो वाला कमरा या हॉल ऑन होगा। अगर हमने सारे ब्रेकर ऑन कर दिए हैं तो सारा घर जो है वो ऑन होगा। अगर हमने वन बाई वन ब्रेकर जो है वो ऑफ़ किए, फ़र्ज़ करें हम किचन वाला ब्रेकर ऑफ़ कर रहे हैं तो किचन ऑफ़ हो जाएगा, बाकी जो है सारा घर वो चलता रहेगा। तो इसी तरह अगर हम हॉल वाला ब्रेकर ऑफ़ करते हैं तो हॉल जो है वो बंद हो जाएगा, बाकी सारा घर जो है वो चलता रहेगा। तो इस तरह से जो है वायरिंग वो हम कर सकते हैं। तो वायरिंग बहुत ही बेसिक सी वायरिंग है। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो प्लीज़ हमारे चैनल हाउ टू इंजीनियर को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।